नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूर्वोत्तर के राज्यों के बाद अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार पहुंच गया और इसने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। दिल्ली से लेकर मुंबई और लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक प्रदर्शनकारी इस कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं। सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को अब बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी का भी समर्थन मिला है। शबाना ने एक वीडियो ट्वीट किया और क्या कुछ कहा सुनिए। जावेद अख्तर के दो शेर, जो मुझको जिंदा जला रहे हैं वो बेखबर हैं कि मेरी जंजीर धीरे धीरे पिघल रही है। मैं कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में, लेकिन मेरे लहू से तुम्हारी दीवार गल रही है। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारी आवाज को दबाने के बजाय सरकार हमारी आवाज को सुनेगी। आज के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं और अफसोस हूं कि जाती तौर पे वहां नहीं हो सकी क्योंकि मैं इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं हूं, लेकिन मैं अपील करती हूं कि किसी तरह की हिंसा ना हो। वहीं इस मामले पर बॉलीवुड एक्टर जिशान अयूब ने ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया, साथ ही उन्होंने प्रशासन पर भी निशाना साधा। एक्टर जिशान अयूब ने भारी मात्रा में पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करने पर ट्वीट करते हुए कहा, इस वक्त जितनी पुलिस देश की जनता के ऊपर छोड़ी गई है, अगर उसकी 25% भी पूरे साल कानून और व्यवस्था पर लगाई गई होती तो देश में क्राइम खत्म हो गया होता। जिशान अयूब का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, साथ ही लोग इस पर खूब सारे रिएक्शन दे रही हैं। इसके अलावा जिशान अयूब ने नागरिकता संशोधन कानून पर भी खूब ट्वीट किए। उन्होंने बीते दिनों मुंबई में हुए विरोध प्रदर्शन पर अपनी राय पेश करते हुए कहा, हाँ भाई अब तो कम नहीं लग रहे ना, घबराओ नहीं, ये बस एक शहर के हैं,